अब यहाँ आगे हमें 12th पैरा में देखते हैं कि टाइड आउट ही स्लेप बिफोर द लिटिल गर्ल, मतलब वो छोटी सी बच्ची है उससे पहले उसके थके हुए पिताजी सो जाते हैं। ये फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसको फनी फीलिंग आती है लड़की को। पुअर फादर नॉट सो बिग, उसके जो पिताजी है बेचारे वो इतने बड़े नहीं है आफ्टर ऑल, जो कि एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, मतलब ये बोला जाता है कि कोई उसकी ध्यान भी यहाँ नहीं रखते। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, मतलब वो अपनी जो दादी माँ है उससे ज्यादा सख्त है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, पर उसकी जो शक्ति है वो अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि हर रोज उसके पास जो काम होता है वो काम करने को जाते हैं, उसकी वजह से मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह वो मतलब टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए टाइम नहीं दे पाते। सी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने अपने पिताजी के जो पन्ने थे वो सब फाड़ दिए थे। सी स्टिल्ड सडनली एंड साइड, उसकी वजह से उसको मतलब वो झिझक सी होती है, संकोच सा होता है। व्हाट द मैटर आज हर फादर, उसके पिताजी नींद में बोलते हैं, अब क्या हुआ, अंदर ड्रीम, दूसरा सपना आया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर है तुम्हारे हार्ट पर है, तुम्हारे दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, तुम्हारा जो हार्ट मतलब जो बीटिंग करता है, जो उसमें मतलब जो मूवमेंट होती है वो मैं सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तो उसके पिताजी को बोलते हैं तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, ऐसा यहाँ वो कहती है। सबसे पहले अपने पिताजी से वो जो मतलब डरी डरी सी रहती थी, कब डांट दे, ये सब संकोच था उसको। बाद में धीरे धीरे से उसको पता चलता है कि उसके पिताजी इतने काम में व्यस्त है इसीलिए वो ऐसे बिहेव करते है। बाद में पता चलता है कि उसके पिताजी उसके लिए सबसे ग्रेट है, बेस्ट है, इसीलिए लास्ट में लाइन बोलती है। तो यहाँ कैथरीन मैन्सफील्ड ने बहुत सही तरीके से हमें स्टोरी समझाई। आगे हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में, तो यहाँ हमें एक्सरसाइज में तो जो नीचे टू में टू और थ्री सॉरी वन और टू सेंटेंस में आंसर फिलअप करने है, जो फोर क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ नीचे दिए गए है तीन क्वेश्चन, वो मतलब वो भी टू और थ्री सेंटेंस में सॉरी पैरा में लिखना है। तो वन टू थ्री इसके क्वेश्चन है, तो यहाँ टोटल लगा के सेवन क्वेश्चन है, फर्स्ट में वन और टू में और यहाँ टू और थ्री सेंटेंस में उसको राइट डाउन करना है। जो टेक्सुअल क्वेश्चन है हमें करने हैं, तो अपने टाइम से कर लेना। ओके ओवर।